बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ एंड भुवनेश कुमार बॉल फैंटास्टिकली वेल एज वेल। केन विलियमसन की इंक्लूजन मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली टॉकिंग, और उसके साथ साथ क्या बैटिंग में केन विलियमसन ने जो इनिंग्स पॉइंट तक लेके गए। आज इस वीडियो में SRH वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स DC पे होल डिस्कशन होगी। हाईलाइट्स एनालिसिस टाइप आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। So talking about from the first start अच्छा लिया और प्लान नजर आया बेस्टो के पास। बेस्टो को जो कहा गया था उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया। आई थिंक बेस्टो को कहा गया था कि आपने जाके आपने टाइम गुजारना है पिच पे और एंड में आके हम इनको कहेंगे कि ये आके मारे, तो आई थिंक इस पर बेस्टो ने इम्प्लीमेंट किया और बाद में उसका फायदा हुआ। बेस्टो ने आराम आराम से इनिंग्स को लेके गए 50 की, उसके बाद आउट, और डेविड वॉर्नर ने भी ये किया तो इनके प्लान पे इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि पिच वॉजेंट ऑफ स्कोरिंग टू मच वंस। उसके बाद केन विलियमसन केम विच वी वर शाउटिंग जस्ट जस्ट प्ले केन विलियमसन, ही इज गोना बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर यू एंड ही इज द गुड लक फॉर द सनराइजर्स हैदराबाद टीम एज वेल। तो फिर केन विलियमसन ने आके इनिंग्स बिल्ड की, उसके बाद छक्के और चौके मारे और लव टू वॉच केन विलियमसन टुडे, बड़ा इनिंग्स ही प्लेड फॉर SRH। उनकी इनिंग्स के बगैर भी SRH couldn't have won this game। अभी SRH जीत चुका है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, गुड गेम ऑफ क्रिकेट हुआ, मजा आया गेम देखने का और जस्ट फैंटास्टिक। और अब बात करते हैं उसके बाद द टारगेट फॉर द दिल्ली कैपिटल्स वॉज ओवर 162, 163, 164 वॉज द टारगेट, और उसके बाद ओपनिंग में एक विकेट गिरी। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स देखे गया, दो विकेट्स गिरी, 5 ओवरों में 33 रन थे उस टाइम पे, SRH वॉज ओवर है। और भुवनेश्वर कुमार की उसमें जितनी तारीफ की जाए एंड दैट्स गोना बी वेरी वेरी लो बिकॉज भुवनेश्वर कुमार बॉल्ड एक्सेप्शनली वेल, ही बॉल्ड लाइक अ यू नो ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर फॉर इंडिया एज वेल एज सनराइजर्स ऑफ हैदराबाद बिकॉज ही गेव द स्टार्ट एंड जस्ट बॉल फैंटास्टिकली वेल। तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। दो विकेट रहा उन्होंने शुरू में, एक विकेट लिया और 7 रन दिए सिर्फ, तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। इज गोना बी एसेट, लेकिन जीत सका है सनराइजर्स हैदराबाद और फैंटास्टिक विन थी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज, और जिस जिसको सनराइजर्स हैदराबाद का फैन नीचे पता है। और इफ यू टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट, तो दिल्ली ने कहाँ पे मिस्टेक की, उनकी ओपनिंग नहीं चल रही। आई थिंक दिल्ली ने आज ओपनिंग में सही बैटिंग नहीं की और जो ऊपर से विकेट्स गिरी उन्होंने उनको कॉस किया मैच। एंड में बहुत ट्राई की ऋषभ पंत और शैनन हेटमायर ने, लेकिन मैच नहीं बचा सके एंड एवेंचुअली द दिल्ली कैपिटल्स लॉस्ट द गेम। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है, बट नॉट डेवलपिंग दैट गुड। सो नॉट दिल्ली कैपिटल्स इज स्टिल टॉप एंड SRH हैज जस्ट रजिस्टर्ड द फर्स्ट वन। देखते हैं आगे क्या होता है। और बैट्स की बात की जाए SRH की, तो आई से दैट डेविड वॉर्नर यू शुड प्ले योर नेशनल गेम। आई नो द पिच वॉजंट गुड टुडे, बट आपको अपनी नेशनल गेम खेलनी चाहिए जो छक्के छक्कों वाली है बिकॉज दैट्स गोना बी बेटर फॉर डेविड वॉर्नर एज वेल। तो नाउ दिल्ली कैपिटल्स हैव लॉस्ट द गेम और सनराइजर्स ने अपना अकाउंट खोल लिया है इस टूर्नामेंट में। दिल्ली कैपिटल्स नीचे गिरी है और ऋषभ पंत ने भी कोशिश की, शरण हटमाय ने भी, कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ। भुवनेश्वर ने एंड में भी अच्छी बॉलिंग करवाई, शुरू में भी अच्छी बॉलिंग करवाई, तो विन क्रेडिट जाएगा भुवनेश्वर और विलियमसन की इस फैंटास्टिक विलियमसन की इनिंग्स को और भुवनेश्वर की बॉलिंग को। सो बॉलर है हमारे भुवनेश्वर कुमार और बैट्समैन टर्नर ऑफ द गेम एंड द मैन ऑफ द मैच इज केन विलियमसन। सो लव टू वॉच द गेम, आई होप यू लाइक दैट एंड इफ यू लाइक दैट सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड टर्न ऑन द बेल आइकॉन। And at last, both teams played very, very good. Lekin, at the end of the day, one has to win. And SRH played all departments well. Unki planning bahut achhi thi, jo mujhe nazar aaya pitch ke hisab se. Aur bowling bhi unki sahi thi. And Delhi Capitals ka top order thoda sa floppy tha. Oh, they need to see on that. Bye.